कुकविद राजस्थानी में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कुकविद राजस्थानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं। ये जो तिल के लड्डू है, मैं ये गुड़ वाले लड्डू बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी वाले भी बना सकते हैं। गुड़ और तिल के लड्डू बनाने के लिए हमको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तिल जो है मैंने साफ धुले वाले तिल लिए हैं। और सबसे पहले इसके लिए मैं तिल को भून लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें तेज फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, इसको हमें धीमी फ्लेम पर जो है, अगर हम गैस पे भून रहे हो तो धीमी फ्लेम पे, और अगर इंडक्शन पे भून रहे हो तो धीमे टेम्परेचर पे इसको हमें रोस्ट करना है। तिल को जब हम रोस्ट करते हैं तो जो तिल है वो पॉप अप करना स्टार्ट कर देते हैं। A few moments later. तिल जो है अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हम अपने इंडक्शन को बंद कर दे रहे हैं। तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इनको हम परात में निकाल ले रहे हैं। देखिए तिलों ने जो है अपना कलर भी चेंज कर दिया है और इनमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल दे रहे हैं। घी अच्छे से पिघल गया है, अब इसमें हम ये गुड़ डाल दे रहे हैं और गुड़ को मेल्ट कर ले रहे हैं। गुड़ को देखिए मैंने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। गुड़ जो है अब हमने मेल्ट करने को रख लिया है। गुड़ में देखिए धीरे धीरे करके बबल आने लग गए हैं। जब ये बबल ज़्यादा आ जाएंगे तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए इसमें बबल आने लग गए हैं। कटोरी में जो मैंने पानी लिया है उसमें गुड़ को डाल करके देखती हूँ, अगर गुड़ का जो गोला सा बन जाएगा तो हमारी चाशनी तैयार है गुड़ की, वरना नहीं तैयार है। इसमें हम गुड़ डाल करके देखते हैं, अगर इसमें गोला सा बन जाएगा, ये देखिए गोला सा बन गया है, हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें हम तिल डाल देते हैं। इसमें हम धीरे धीरे करके तिल डाल दे रहे हैं और अच्छे से चला ले रहे हैं। ये देखिए अब मैं ये थोड़ा सा तिल और गुड़ का जो मिक्सचर है मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ये फैल जाएगा तो हमारा लड्डू अच्छे से तैयार नहीं होगा। ये देखिए ये पहचान है हमारा, तिल और गुड़ का जो मिक्सचर है जिनको मैंने अच्छे से रोस्ट किया था वो देखिए अच्छे से बन चुका है। चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है और इसको जो है हम जब ये हल्का गर्म होगा इसके लड्डू हम तभी बनाएंगे। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके लड्डू बनाने में दिक्कत आती है। ये देखिए
ऐसे ही हम एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। ये जब ठंडे हो जाते हैं तो लड्डू बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये हल्का सा गर्म हो तभी लड्डू बनाएं। हमारे तिल के लड्डू बनकर के तैयार हैं। ये देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तिल के लड्डुओं को हम लोग जो है ज्यादातर सर्दियों में खाते हैं और ये जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उसको भी पूरा करते हैं। और तिल को खाने से जो है हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करती है। हमारे गुड़ वाले तिल के लड्डू बनकर के तैयार हैं। ये देखिए कितने शानदार बने हैं। अगर आपको ये मेरे तिल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का आपको तुरंत पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।